नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं आपके साथ अभिलाष। हम जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि फिलहाल इन मोशन पिक्चर्स के स्टूडियो में मौजूद हैं। अब यहां से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, तो इस खास सेगमेंट में हम आपको उन दो शख्सियत से मिलवाते हैं जो इस प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर हैं और जो आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज लेके आने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आदर्श जी और विकास जी। अब मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता देता हूँ, विकास जो है ये मॉडल भी रह चुके हैं, प्लस अब ये यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस में टेक्निकल दुनिया में अपना जो कदम है वो बढ़ा रहे हैं, और आदर्श जो है ये टेक्निकल इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। तो फिर ज्यादा मैं क्यों दिखूं आपको, मैं इन्हीं से सुनवा देता हूँ कि आखिरकार ये प्रोडक्शन हाउस का आइडिया आया कैसे, ये क्यों बनाया गया और आने वाले समय में ये लोगों को क्या प्रॉफिट दे सकता है। तो आदर्श भाई, सबसे पहले आप बताओ कि प्रोडक्शन हाउस का आइडिया कैसे आना। मैंने सीखा यहाँ पे, भाई के भाई से मुलाकात हुई थी साथ में बैठ के, उसके बाद आइडिया मैंने पिच करा भाई के साथ, पापा के लिए उसके बाद बैठे काम कर। बाकी नोएडा यहाँ पे ओपन हो रही है, हमारी बेनिफिशियल है जितना हमारा इंडस्ट्री चालू कर दी, इसको ग्रो होने में यहाँ पे 2-3 साल लगेंगे बनने में, बिल्कुल उतने में हमारा पुराना होगा, नाम बढ़ेगा, काम होगा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आदर्श भाई ने कहा कि क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अब नोएडा में आ रही है, और ये जो ऑफिस है ये आप भी आ सकते हैं सेक्टर 16 में। और सबसे बड़ी बात इस प्रोडक्शन हाउस में ये है कि ये जो मैं सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इस प्रोडक्शन हाउस की खास बात क्या है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं ये जरूर दिखा दे, क्योंकि ये सब हाई क्वालिटी कैमरे हैं। अमूमन टेक्निकल इंडस्ट्री में इनकी जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे गाने भी रिकॉर्ड होंगे, एक प्यारी सी लड़की की आवाज भी हमने आपको अपने पहले के शो में सुनाई है। तो अब हम विकास जी से पूछते हैं, क्योंकि विकास भाई और मेरी बात हो रही थी अभी, तो मेरे दिमाग में भी आया, सपना मेरा भी था कि मैं भी कभी प्रोडक्शन हाउस डालूंगा, लेकिन डाल नहीं पाया, पापा लोग सुनते कहाँ हैं। तो विकास भाई के फादर ने भी सुनी और बड़ी अच्छी स्टोरी थी, तो विकास भाई प्रोडक्शन हाउस के बारे में कुछ बताओ। भाई जी देखिए, प्रोडक्शन हाउस का आइडिया हमें ऐसे आया कि काफी सारे यहाँ के, मैं भी मॉडलिंग कर चुका हूँ, हमें अगर कुछ भी बड़ा करना है तो हम कितने भी अच्छे टैलेंट हो, कितना भी कुछ हो, हमें मुंबई जाना पड़ता है, बॉम्बे हमें बिल्कुल विजिट करना पड़ता है। बट अभी यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान किया है कि एक फिल्म सिटी यहाँ पर काफी अच्छी खासी अच्छे बजट की यहाँ पर ऑन होने वाली है, तो हमने सोचा कि जो लोग मुंबई जा रहे हैं उनके लिए क्यों ना अभी से स्टार्ट किया जाए, कि आने वाले टाइम में उनको वहां ना जाना पड़े, जो जहां पर है वहीं से उनको सारी सर्विसेज, मतलब आप अपना कमिटमेंट देकर लोगों की हेल्प जरूर करो। जी अभी हमारे जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं आने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है, कोई वेब सीरीज है हमारी, सॉन्ग्स है, शॉर्ट फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, इस सब पे काम चल रहा है, जिसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बिल्कुल, तो इसमें काफी सारे सरप्राइजेस पैक आपको मिलेंगे, काफी सारे अच्छे खासे बॉक्स एक अच्छा सा खुलेगा जिसमें काफी सारे सरप्राइजेस पैकेज होंगे आपके लिए। तो उसके लिए ऑडिशंस वगैरह, मॉडल्स ऑडिशन, सिंगर्स ऑडिशंस, डांसिंग ऑडिशंस सारे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, प्रॉपर वे से किए जाएंगे, प्रॉपर जिसका जो टैलेंट है उससे काम मिलेगा उसको, और प्रॉपर सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में होगी, क्योंकि एक भाई जैसे हमारा आदर्श मिश्रा जी है ये टेक्निकल से है, सारे कैमरा इनको पता है, किससे क्या काम होता है, किसके फेस पे कौन सा लेंस शूट करेगा, कौन सी लोकेशन है, किस एंगल से शूट करना है। उसी तरह मैंने एमबीए किया हुआ है तो मेरे को सारा मैनेजमेंट देखना है। बिल्कुल, लाइक जैसे एक मैनेजमेंट देखेगा और दूसरा टेक्निकल में अपना दिमाग चला। बिल्कुल सेम, लाइक जैसे इन्होंने कैमरा आता है इनको प्रॉपर है, बट इनको चाहिए कि नहीं मेरे पास ये लेंस नहीं, मेरे को ये लेंस अरेंज करके दो, वो सारा अपना काम है। ठीक है, मैनेजमेंट का पूरा अपना है, डांसर्स कहाँ से आएंगे, किससे लिंक करना है, किससे मंगवाना है, क्या चीज है, वो सारा काम मैं देखूंगा, बाकी जितने भी टेक्निकल चीजें शूट वगैरह वो आदर्श जी देखेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आदर्श की मैं तारीफ बहुत लोगों से सुन रहा था बाहर, कई लोगों ने बोला कि भाई आदर्श जी है, मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ये कौन सी हस्ती है जिनका नाम मैं सुन रहा हूँ। तो आदर्श भाई, हम ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि देखो टेक्निकल इंडस्ट्री जो है बिना स्ट्रगल के नहीं चलती, आई एम श्योर आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, और जिस तरीके से बॉम्बे जाना पड़ता था लोगों को, थोड़ा सा उस रियलिटी के बारे में बताओ, क्योंकि आपका देखो प्रोडक्शन हाउस का आइडिया बहुत बढ़िया है, आने वाले टाइम में भगवान करे और ज्यादा तरक्की करे, लेकिन अब आगे आप क्या प्लान करोगे और थोड़ा बहुत स्ट्रगल क्या होता है टेक्निकल की दुनिया में, वो जरूर बताना। जी जी जी,
जो ब्रिलियंट की बात करें बहुत से जो लोगों को लगता है कि मुंबई गए हुआ कि मेरे का भी सेम था प्लान थी वहां पे जाने पे करने के बाद इंटर्नशिप मिल जाएगी इसलिए काम मिल जाएगा नहीं होता जी आपको बहुत खिसने पड़ेंगे मैंने ज्यादा नहीं है कि सलमा पूरा करके आया ऊपर वहां मतलब सीखा इंटर्नशिप भी मिली मेरे को वहां पे पूरे मैंने काम करा सब कुछ करा उनके साथ काफी मेहनत काफी करना ही पड़ेगा वहां पे आपको बिल्कुल कि आपको अपना प्रोडक्ट बेस्ट देना पड़ेगा अगर आपके किसी में एक से भी कम हो आपको नहीं हो सकता बिल्कुल विकास भाई जैसा कि आपने बताया आप एमबीए वैसे आप प्रोडक्शन हाउस गलत डाल रहे हो क्योंकि आप मॉडलिंग कर भी चुके हो और आपकी जो फेस है ना वो बहुत अलग प्रोडक्शन हाउस का आइडिया कैसे आया भाई प्रोडक्शन हाउस कैसे आया आइडिया कि हमने बहुत पहले एक चैनल भी यूज किया था अपना जिसमें हम नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ उसमें बनाते थे वीडियोस राइट मैड हाउस नाम से चैनल था वो अपना उसमें उस टाइम पे वाइंस काफी फेमस होते आज तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हो गए वाइंस में तो उस टाइम पे वाइंस चल रही थी हमने वहां से स्टार्ट किया था उसमें जो भी था मैनेजमेंट मैं करता था प्लस एडिटिंग सारा काम मैं करता था डायरेक्टिंग मैं करता था उसमें तो वहां थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया ठीक है प्लस उसके बाद क्या जॉब वगैरह की जॉब में हमने फिर ये सोच जॉब में दूसरों का हम प्रोडक्ट जब इतना मेहनत करके सेल करते हैं उतनी मेहनत हम अपने काम में लगाएंगे तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात कही है विकास भाई ने क्योंकि अमूमन कोई भी चीज की जब स्टार्टअप होती है तो मेहनत जरूरी होती है और जैसा कि विकास जी ने बताया भी कि पहले क्या होता था और आने वाले समय में क्या होगा इसकी रूपरेखा अब इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए यहाँ पर आदर्श भाई और विकास भाई पूरे तरीके से शेयर करेंगे अब मैं इनसे एक छोटा सा आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये सोचते होंगे कि नहीं भाई प्रोडक्शन हाउस डाल दिया तो क्या होगा कैसे चलेगा क्या चलेगा वो नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है आदर्श भाई बताओ हमारे व्यूअर्स को कि मतलब किस तरीके से अब ये प्रोडक्शन हाउस जैसा कि आपने बताया भी आने वाले समय में विकास भाई ने बताया कि शॉर्ट मूवीज आ रही है डॉक्यूमेंट्रीज आ रही है शूटिंग की फुटेजेस आएंगी तो कितना डिफिकल्ट होता है प्लस आप इस प्रोडक्शन हाउस में ऐसा क्या अलग करोगे जी जो कि बाकी के प्रोडक्शन हाउस से अलग होगा जी जी देखिए आपका जो भी जो बंदे आपके पहले बात तो जहाँ पे है लोकल है कोई क्लिक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आप जाओगे मुंबई जाओगे ऑडिशन फिर आपकी कॉल आगे उतना आपको जाना है इतना ट्रैवलिंग बिल्कुल एक बंदा नॉर्मल है देवाल है स्ट्रगल भी करना पड़ेगा जो खर्चा बंदा देखता है जो मेनली है सबके लिए मिडिल क्लास बंदे के लिए आप यहाँ पे आपके ऑडिशन हुआ कुछ भी हुआ आपका जो आपका मॉडलिंग हमने लिया उसके आगे बढ़ाने के कास्टिंग होती है डायरेक्टर्स होते हैं उनको आप पूछाएंगे वहाँ पे होंगे आपकी कॉल आई आपको उससे मिलेगा प्रोजेक्ट्स काम हमारे सब काम करने के अंदर ये तो सब बेनिफिट होता रहेंगे बिल्कुल इसमें ये विकास भाई आ रहा हूँ आपके पास क्योंकि अमूमन विकास भाई जो है बड़ा कम हंसते हैं आज थोड़ा सा मैंने इनको हंसते हुए देखा है तो विकास भाई आप बताओ फिर आप क्या प्रोडक्शन हाउस से एक्सपेक्टेड करें क्योंकि जिस हिसाब से आपका फेस है वो आधी लड़कियां वैसे ही देख के पागल हो जाएंगी मैं आपको बता दूं कैमरे में तो प्रोडक्शन हाउस से आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम एक्सपेक्टेशन देखिए पहली चीज तो ये आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था कि ये दूसरों से कैसे अलग है प्रोडक्शन हाउस तो देखिए उसका आंसर मैं ये देना चाहता हूँ उसका आंसर ये है कि जैसे बाकी देखिए प्रोडक्शन काफी सारे हैं बिल्कुल ठीक है बट वो रजिस्टर्ड प्रोडक्शन हाउस नहीं होते बिल्कुल हमारा क्या है कि हम प्रॉपर वे से जब काम करेंगे इसमें SME के थ्रू चाहे इम्पा के थ्रू काफी सारे इसमें रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं ठीक है आपने देखो काफी सारे क्या होता है कोई लोकल एरिया में स्टार्टिंग होती है फोटोशूट से ठीक है फोटोशूट करते 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 बंदा प्रोडक्शन हाउस खोल लेता है ठीक है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता आप आगे लेवल पे जाओगे आपको कहीं भी आप बोलोगे कि हमने इन मोशन पिक्चर्स के काम किया है तो अगर वो चेक भी करेंगे तो रजिस्टर्ड आपको मिलेगा प्लस जो हमारे डायरेक्टर साहब है ये सर्टिफाइड है ऑल्ट बार जिसे इन्होंने कोर्स किया है अच्छा खासा सर्टिफिकेट प्रॉपर आप सर्टिफिकेशन के साथ काम करेंगे तो ये चीज हमारी अलग है कि हमने ये नहीं है कि हाँ हमने कैमरा ले लिया स्टार्ट किया हम सीख गए नहीं प्रॉपर हमने कोर्स किया है ट्रेनिंग ली है इसकी उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हम एकदम वैसे नहीं कि तुरंत कूद गए इसके अंदर हमने पहले काम किया बाहर काम किया उसके बाद हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं और रही बात एक्सपेक्टेशन की तो हर कोई अपने एक्सपेक्टेशन में यही चाहता है कि अपना प्रोडक्शन हाउस बहुत आगे चले धीरे धीरे इसमें बस हम यही कर सकते हैं कि जो भी आपके जो भी टैलेंट है नए टैलेंट उनसे डायरेक्टली बात करेंगे उसको 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी कोई ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो आपको कुछ और बताया गया है कुछ और मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है आप एड शूट के लिए फोन करो हमें डायरेक्ट नंबर हमारी वेबसाइट पे है आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो एक जो खुन्नस वाली बात होती है ना कि मैंने देखा है इंडस्ट्री में एक बार मैं इंटरव्यू करने गया था एक प्रोडक्शन हाउस में तो कई लोग होते नहीं आप वहां से सीख के आए हो आप ये करके आए हो आप वो करके आए हो क्योंकि अभी तक जो हमने इस प्रोडक्शन हाउस में देखा है यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज लगी है जो मुझे वो ऑनेस्टी लगी है तो मतलब अब आपको भी मैं बता दूं कि अगर कोई प्रोडक्ट शूट या फिर
किसी भी तरीके की शूटिंग या फिर अपना फोटो शूट भी कराना चाहता है वो जरूर इस प्रोडक्शन हाउस में आए, क्योंकि विकास भाई और आदर्श भाई एक तरीके से प्रॉमिस ही कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है इन मोशन पिक्चर्स, इसका यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसमें जो वीडियोज वहां पर गई वो मैं आपको बता दूं कि वो किसी ने एडिट नहीं की है, उसे बनाया भी खुद विकास भाई ने और उसे एडिट भी खुद ही किया है। साथ ही जो फुटेजेस हैं वो हमारे सिनेमेटोग्राफर साहब की तरफ से आई थी। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है नई नई बुलंदियों को छुए, क्योंकि मंजिलें मिलती हैं उन्हीं परिंदों को जिनके पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं ऐसे लोग जिनके हुनर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। कैसी लगी आपको इन दोनों की राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा, और हाँ हमारे चैनल ANP News को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।